हेलो गाइस, तो देख सकते हैं आज हमारी फ्रेंड की भाई की शादी का दूसरा दिन है और एक पहला जो पार्ट वन था वो मैंने अपलोड कर दिया था। आज सेकंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, वो भी आज रात तक अपलोड हो जाएगा। और हम लोग अभी बारात जाने के लिए सारे तैयार हो गए और वो पीछे देखे बस बोलवो ये बस है बोलवो सब बंदों के लिए। और जो दूल्हा गाड़ी है वो कहाँ गया? वो अभी आ रहा है। जो अभी दूल्हा गाड़ी है वो अभी आ रहा है। और हमारे लिए जो पर्सनल गाड़ी है वो देखिए वो पीछे खड़ी है, स्विफ्ट डिजायर। और आज हम एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं क्योंकि दूल्हा गाड़ी एक है और हम चाह रहे कि हम इसको दूल्हे की तरह सजा के लेके जाएंगे और वहाँ पे लोगों का रिएक्शन देखेंगे कि वहाँ पे दूल्हा गाड़ी ये इसको समझते या किसी और को समझते। तो बहुत मजा है, तो बहुत मजा आने वाला है जी भाई। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम उसको अपनी गाड़ी को दूल्हे की तरह सजा के ले जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि ये दूल्हा है, लेकिन होगा नहीं ये, बस हम होंगे उसके अंदर और वहाँ के लोगों का रिएक्शन देखेंगे। और उसके बाद फिर बहुत वहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है, कौन सी मंदिर है, लिलोरी स्थान आया है, हम भी पहली बार जा रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या है। और ये देख लीजिए दूल्हे का भाई आ रहा है, दूल्हे का भाई आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो ये दूल्हे का भाई है, पूरा बैग देख सकते हैं। तो दूल्हा के साथ यार दोस्त होता हमेशा ऐसे ही गुलदस्ता मारते ना, मुझे याद है कि तुमसे उठा कर। अरे छोड़ो, मैं ओए 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 फोटो कहीं मारे मैं खुद निकालो। यार ये गलत बात है, दूल्हा की माँ बैठ गई, माँ हमेशा बस में रहती है ताकि मेहमानों को दिक्कत ना हो। राहुल इनको खुद निकाल दो सर, ओए मैं मंदिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, सुशील का है, सुशील दो आदमी आ रहा हूँ यार। अरे आपको दूल्हे के साथ जाना था ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? सीट दे कहाँ से? हम छीन रहे थे, छीन के लेके भागने वाले थे, लेकिन मान छीन लेते। चलो आप आइए खाके देखिए, आप लोग इनके पास जरूर आइएगा खाने के लिए। कि क्या नाम है इन गोलगप्पे वाले भाई साहब का? क्या नाम है? लक्ष्मण साहब। लक्ष्मण साहब, ये बहुत फेमस गोलगप्पा बनाते हैं क्या? हाँ, ये गोलगप्पे के पूरे धनबाद में चर्चे हैं। मस्त लगा भाई खाके, बहुत मस्त लगा। तो बहुत साल बाद आया ना इधर, इसीलिए हो गया। गोलगप्पा खाने वाले आपको एक पापड़ी भी फ्री मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग बहुत ज्यादा लोग मतलब बैठ चुके हैं इसके अंदर। आगे दो है और पीछे एक दो तीन, आगे तो मुझे दिखता है एर्टिगा है, पीछे पांच है एर्टिगा है, यानी फोर सीटर को हमने सेवन से सीटर बना लिया है। लेकिन अब देखते हैं अब क्या होता है नहीं होता, आगे का ब्लॉग हम आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ एक बहुत बड़े जाने माने एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट के स्पेशलिस्ट, मैं वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो हमारे नाना जी है, वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ कोई कोर्ट कचहरी का मसला ना हो, कोर्ट मैरिज कराएं, क्योंकि वहाँ कोई पी पा के लड़ाई ना करे तो वही केस सॉर्ट आउट हो जाए और कोर्ट मैरिज। देखती है सलाह। तो मेरा नाना नाचे
पोस्टर भी ले लो, पोस्टर भी देख सकते हैं। अभी हम लोग 350 किलोमीटर चलने के बाद अभी यहाँ आके रुके हैं। मात्र 3 घंटे में हमने 350 किलोमीटर का कवर किया है। और ये हमारी गाड़ी, अब हम यहाँ पे थोड़ा पानी वानी पीने के लिए निकले हैं। और ये देखिए, हर कोई हल्का होने के लिए उतरा है। हम लोग अब निकल चुके हैं, मुश्किल से 15 मिनट का सफर और है। मतलब हम सुबह निकले थे। Something was wrong. ये हम लोग पहुंच चुके हैं लिलोरी स्थान मंदिर। और यहाँ पे जाम लगा हुआ है, जो देखिए यहाँ सुशील हमारे जाम क्लियर करवा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे और बाकी सबको हमने लात मार के उतार दिया है। बाकी राजू भाई साहब, अरविंद भाई साहब बैठे हुए हैं, विक्रम भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ सुशील और देख सकते हैं ये पे राहुल भी गाड़ी क्लियर करवा रहे हैं जाम। और ये सब गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग कि कहाँ पे हमें गाड़ी लगानी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। इतना भी फैल के बात बैठ, थोड़ी जगह दे उधर। क्या बैठा, ये देख सकते हैं सुशील भाई, राहुल भाई जा रहे हैं आगे। चश्मे हो क्या? कहाँ उतरने? शादी में आए थे तो इसी मंदिर में विक्रम भैया की शादी हुई थी, तो हमारी गाड़ी इस जगह पे खड़ी थी। वो खाली था, पूरा खाली था यार। हाँ। तो पहले बार था ही नहीं इतना सारा। वो लोग गया कि अरे हटा, हमारी गाड़ी लगी, वहाँ पर गाड़ी लगा, वो कह रहा उसको हटा। देख सकते हैं वो पार्किंग का जगह उसने लूट करके रखा है, वहाँ पे हाथ रख रखा है जमीन पे। चार बंदे खड़े हो गए, गाड़ी वो देखिए, गाड़ी यहाँ पे इन्होंने खाली कर, पर किसी और ने घुसा दिया। हवा आया बस, बस आ गया। और यहाँ देख सकते हैं हमारे राहुल भाई साहब और ये सब, ये देखिए तो सब सारे बस के ये जा रहे हैं। ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, सारे सब के सब जा रहे हैं। तो गाड़ी जाम भी घुसा रहा, मैं भी पैदल जा रहा हूँ। हम लोग घूम के जा रहे हैं, लोग आ रहा है। पहुंच गया क्या ज्योति जी? यही सामान रखा है बैग में, गाड़ी में। ये क्या, किस लिए? बेटी का कंबल एक रख ले, ये भी, ये भी, ये भी। बेटी का रख ले। बाबू का बेटी का रख ले। बेटी किसके पास है? गजब बेइज्जती है। आगे फिर मेन रोड ले, हमें निकलने में आसानी होगी। जहाँ बस लगी होगी ना उसी के बगल में लगा दो यार। बहनचोद भीड़ है, गाड़ी पा गई, इसको गाना सुना बहनचोद को। वीडियो बना रहा हूँ, गाली गाली यही बंदा गाली सुना जो। और हम आराम से लगा सकते हैं, और ले, और आगे ले, और आगे ले, तो और आगे दबा, पीछे गाड़ी है। हेलो हेलो, टेम्पू धक्का दे, टेम्पू टेम्पू वाला कर रही है, नहीं आ पाएगा। क्या चीज़?
उतार 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 सकते हैं। हम लोग अभी लिलोरी स्थान पे पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और इसके बाद फिर चलते हैं लिलोरी स्थान और फिर वहाँ दूल्हा दुल्हन जो भी अपना रस्म होगा आपको दिखाते हैं। अब हम लोग आराम से पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी भी बहुत पार्किंग कर दी लिलोरी स्थान पे। पार्किंग की थोड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शादी है, मतलब यहाँ पे लोगों की, इस वजह से ऐसा हाल है। और मैं आपको बाकी आगे का पीछे का व्यू दिखाऊंगा। ये ऑटो वोटो सब चल रहा है, देखिए मेरे पीछे काला हो गया। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। गाइज हम लोग अभी लिलोरी स्थान पे आ चुके हैं और यहाँ पे हुआ क्या है कि लॉज जो है हम लोगों का वो मिल नहीं रहा क्योंकि हमें नाम नहीं पता कि क्या है और जितने बराती थे वो कहाँ गए नहीं गए सब समझ नहीं आ रहा। और मैं थक हार के रिक्शे पे बैठ गया। रिक्शे वाले अंकल है, ये देखिए ये देख रहे हैं कि मैं इनके रिक्शे पे बैठा हूँ और ये लोग देख दोस्त देख लीजिए ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे क्योंकि मैं थक चुका हूँ, बहुत ज्यादा कुछ खाया पिया हूँ नहीं इसीलिए। और ये लोग कह रहे फोन कर रहे थे, ज्योति दी का नंबर तुम लोग के पास। ये दूल्हे को ये पबजी खेलने में व्यस्त है, ठीक है। लड़की उड़के वाले आई नहीं है, चिकन डिनर, चिकन डिनर कर फाइनली हमें मिल चुका है। और यहाँ पे जो हमारा दूल्हा हमारा भाई है वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है और वो अकेले बैठे बैठे पबजी अभी खेल रहा था और इसने अभी जेब में रख लिया फोन। और ये देखिए ये है दूल्हा, ये देखिए बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए ये दूल्हा इतना बोर हो चुका है कि इसको अपनी शादी की खुशी से कोई मतलब नहीं है, पबजी में बिजी है कि बंदा बस टाइम पास हो जाए। इसको अकेले तो छोड़ दिया, क्या करेंगे। I was looking in the darkness, something to hold on, find your way where so broken, that's a
अबे बस करना कितना सारा ही मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सामने देखे, सामने दिखाई नहीं। अरे अरे भैया भैया मोबाइल पीछे रखने का।
हो गया